छात्र संघ चुनाव से पहले सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इंस्पेक्टर डीआर वर्मा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ में छात्र संघ चुनाव से पहले सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सीआरपीएफ और आरएएफ बटालियन की दो टुकड़ियों ने लालकुआं शहर के मुख्य मार्गों और हल्दूचौड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रचार किए जाने की हिदायत भी दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक डीआर वर्मा ने कहा कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम रखना है। चुनाव में अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लालकुआं जोड़ एक्शन के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा छात्र संघ चुनाव है, आरएएफ जो सीआरपीएफ की टुकड़ी आई है, तो हम लोग इसके मार्च पास कर रहे हैं और बच्चों को भी बता रहे हैं, कॉलेज के अध्यापकगणों से भी संपर्क कर रहे हैं और बाजार के सेंसिटिव एरिया में भी जाके संपर्क कर रहे हैं। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।